study with me, a learning experience. Students, इस question में हमारे पास two cases होंगे. दोनों केसेस में दो अनइक्वल सर्कल्स होंगे और उनका हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे जहां वो दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं. केस वन के अंदर कंडीशन ये है कि एक ये सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है. एक का सेंटर है ओ, दूसरे का ओ प्राइम, और ये अंदर की तरफ से एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ओ और ओ प्राइम के सेंटर्स को आप मिला लेंगे और ए पॉइंट तक एक्सटेंड कर लेंगे. अब पॉइंट ए के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर ऐसा होता है 90 डिग्री पे. तो पॉइंट ए के ऊपर आप कंपास रखेंगे और इस तरह एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. अब इस पॉइंट के ऊपर कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट के ऊपर कंपास रख के आर्क ड्रॉ करेंगे. बारी बारी इन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे. इस तरह ये एक पॉइंट मिल जाएगा. इस पॉइंट को आप ए से मिला लेंगे और ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया जो कि टेंजेंट है. ये केस वन सॉल्व हो गया. अब केस टू की तरफ चलते हैं. इसमें भी आपके पास दो अनइक्वल टचिंग सर्कल्स हैं लेकिन बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं. प्रोसीजर वही है, ओ और ओ प्राइम के सेंटर्स को मिला लेंगे और ये सेंटर पॉइंट इनका पॉइंट बी आ रहा है जहाँ पे दो सर्कल्स टच कर रहे हैं. ये इस लाइन का सेंटर नहीं है लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अब इस पॉइंट के ऊपर आप कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. फिर बारी बारी यहाँ से दो आर्क्स ड्रॉ करनी है, एक यहाँ पे, फिर यहाँ से एक पॉइंट रख के यहाँ पे. अब बारी बारी इन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ करनी है. ये पहली, ये दूसरी. अब ये जो पॉइंट आ गया है जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इसको नीचे हम पॉइंट बी के साथ मिला के एक्सटेंड कर लेंगे. ये हमारे पास केस टू सॉल्व हो गया. अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर इस तरह की कोई वीडियोज़ बनाते रहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ बना कर दीजिए.